नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जिसके ऊपर मैं फैक्ट्स डिस्कस करूँगी वो काफ़ी जाना पहचाना है। ये एक कंट्री है जो कि सिखाता है कि जैसे भी परिस्थिति हो, अगर हमारी विल पर अच्छी हो तो हम अपनी लक्ष्य को ज़रूर पा सकते हैं। तो चलिए और देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, नहीं तो ये फैक्ट्स चैनल कम और मोटिवेशनल चैनल ज़्यादा लगेगा। दोस्तों, आज हम दुबई के एक गार्डन जिसको मिराकल गार्डन कहा जाता है, मिराकल गार्डन इसीलिए क्योंकि दुबई जिसका नाम सुनते ही हमारे सामने रेगिस्तान, रेत, ऊंट इन सब का पिक्चर आ जाता है। और यहाँ पे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट नेचुरल फूल का गार्डन होगा, इस पे तो यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, पर दुबई ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। दोस्तों, दुबई जो कि हमेशा से ओनली वन का प्रिंसिपल फॉलो करता है, उसकी हिस्ट्री उठाकर अगर देखें तो ये एक छोटा सा गांव के रूप में था जिसका मेन इनकम जनरेशन का सोर्स था वो फिशिंग या मछली पकड़ने से तो होता था, पर पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो ये एक आकर्षण का केंद्र बन चुका है। दुनिया का सबसे ऊंची इमारत की बात करें या दुनिया का सबसे ऊंची एयरपोर्ट टर्मिनल का, हमेशा से इसने टूरिज्म क्षेत्र में एक स्पेशल जगह तैयार किया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम गार्डन के बारे में बात कर रहे हैं तो जो पहला फोकस जाएगा इसके ज्योग्राफिकल कंडीशन पे जाएगा। ज्योग्राफिकली देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा दुबई से होकर गुजरती है, और ये कर्क रेखा जिस भी एरिया से गुजरता है उसका जो क्लाइमेट होता है दोस्तों वो थोड़ा गर्म क्लाइमेट का होता है। और कोपन गीजर क्लासिफिकेशन ये हमारे कंट्री के क्लाइमेट को क्लासिफाई करता है, और इसके अनुसार दुबई का जो क्लाइमेट है दोस्तों वो शुष्क गर्म रेगिस्तान क्लाइमेट के अंदर आता है। और रेनफॉल की बात करें तो इसका जो रेनफॉल होता है दोस्तों वो 365 दिन में, मतलब पूरे एक साल में सिर्फ 25 दिन ही बारिश होता है, और जिसका जो अमाउंट है दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 95 मिलीमीटर्स तक ही होती है। पर इतने हार्श क्लाइमेट में दुबई ने एक हरी भरी गार्डन बना के तैयार किया है जो एक्चुअल में मिराकल है, और जिसके बारे में जो फैक्ट्स होता है दोस्तों वो एक्चुअल में इंटरेस्टिंग भी होगा। तो चलिए उस मिराकल गार्डन के बारे में कुछ मिराकल बातें जानते हैं जिससे हम सबका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। 72,000 स्क्वायर मीटर्स फैला हुआ ये गार्डन 14 फरवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। इसका कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों वो दुबई लैंड और दुबई प्रॉपर्टीज ग्रुप के बीच एक एग्रीमेंट के दौरान तय हुआ था, और इस परियोजना का विकास अकार लैंडस्केपिंग एंड एग्रीकल्चरल कंपनी के साथ एक समझौते के तहत पर किया गया था, जिसका नेतृत्व जॉर्डन के एक बिजनेसमैन अब्दुल नसर रहल ने किया था। इस मिराकल गार्डन का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट था दोस्तों वो 11 मिलियन यूएस डॉलर था, जो कि इंडियन रुपीज में तकरीबन 65 करोड़ तक आएगा, क्योंकि 2013 में एक डॉलर का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 58 रुपया था। जैसे कि इस वीडियो में मैं पहले बताई हूँ कि ये गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक फूलों का गार्डन है। इसकी मेंटेनेंस भी एक अनोखा प्रक्रिया ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से होता है। ड्रिप इरिगेशन एक प्रकार की सिंचाई की प्रक्रिया है जिसमें पानी के दबाव में एक पाइप प्रणाली के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता है, जहां ये धीरे धीरे मिट्टी में एमिटर्स या ड्रिपर्स के माध्यम से टपकता रहता है जो पौधों के करीब स्थित होता है। इस मेथड को यूज करके अप्रोक्सीमेटली 7,57,022 लीटर पानी इस गार्डन में डाला जाता है, और इस गार्डन में नॉर्मली शहरों का ग्रे वाटर यूज करा जाता है। हार्ट टनल लाल, नारंगी, पीले और गुलाबी रंगों के फूल से सजे ये टनल दुबई मिराकल गार्डन का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है। इस हार्ट टनल को ऐसा बनाया गया है जिसमें दिल का आकार का कई सारे आर्च एक साथ लगा है। इसकी डिज़ाइन ऐसी की गई है, अगर आप एक जगह खड़े होकर इन सारे दिल को देखें तो आपको लगेगा कि जैसे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं ये दिल भी छोटा होते जा रहा है। दूसरा है एमिरेट्स A380 एयरबस। दुबई मिराकल गार्डन के कई अन्य आकर्षणों में से ये एयरबस एक आकर्षण है। इस एयरबस को अप्रोक्सीमेटली 5 लाख से भी अधिक ताजे फूलों से सजाया है। इसका जो लोगो है दोस्तों उसको ही 9,000 ताजे फूलों से सजाया है। इस आकृति को बनाने में 6 महीने समय लगा था, जिसमें 200 लोग ने काम किया था। इस एयरबस का मॉडल तकरीबन 30 टन का था जो कि रिसाइकल मटेरियल से बना है। इसकी लंबाई अप्रोक्सीमेटली 73 मीटर है, और इसकी जो पंख का फैला है दोस्तों वो 80 मीटर से भी अधिक है।
तीसरा है फ्लोटिंग लेडी। फ्लोटिंग लेडी इस गार्डन का अद्भुत आकर्षणों में से एक है। ये आकृति एक उड़ती हुई महिला का है जिसे सफेद पेतुनिया फूलों से सजाया गया है, जिसे देखते ही ऐसा भ्रम पैदा होता है कि सच में ये लेडी हवा में उड़ रही है और दोनों हाथ खोलकर आसमान का स्वागत कर रही है। चौथा है दोस्तों दुबई बटरफ्लाई गार्डन। ये गार्डन जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये बटरफ्लाई यानी तितलियों का गार्डन है, क्योंकि इस गार्डन में 15,000 से भी अधिक तितलियां हैं। इस गार्डन में एक ऐसा भी जगह बनाया गया है जहां पे तितलियों का फार्मिंग भी की जाती है। पांचवा है टॉपियरी ऑफ मिकी माउस। मिराकल गार्डन और द वॉल्ट डिस्नी कंपनी के बीच एक डील के तहत 2018 में मिकी माउस का एक स्कल्पचर यहाँ पे अनवेल हुआ है, जिसकी ऊंचाई 59 फीट का है और वजन 35 टन का है, जो कि दुनिया का टॉलेस्ट टॉपियरी सपोर्टर स्कल्पचर है। टॉपियरी मीन्स ये एक आर्ट है दोस्तों, जिसमें फूलों को एक अर्नामेंटल वे में सजाया जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ मिराकल फैक्ट्स मिराकल गार्डन के बारे में। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के वीडियो में।